Where the fear mongering by the supporters of Amrit Pal Singh in Punjab sees a new twist. Congress MP from Ludhiana, Ravneet Singh Bittu, claims that he received a threat call from an unknown number warning him to stop speaking against Amritpal Singh or he will be faced with dire consequences. Punjab Congress President Amrinder Barar Warring has a hit out at the Punjab Chief Minister, blaming him for not understanding the seriousness of the situation that is brewing in Punjab and has said that Punjab government fails to act, then Congress will take to streets in protest but will not let the peace, law and order of the state get vitiated with the Amritpal and his likes. Congress has demanded a crackdown on the followers of Amritpal Singh. प्रहार किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर में पीसीसी चीफ जो कांग्रेस के है पंजाब के वो ये कह रहे हैं कि अगर भगवत मान क्रैक डाउन नहीं करती है अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स को जो है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे प्रदर्शन करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे बिल्कुल और देखिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब कांग्रेस ने खुलकर मोर्चा खोला है न केवल अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो कि प्रेजिडेंट हैं पंजाब कांग्रेस के बल्कि दूसरे तमाम नेता चाहे सांसद रवनीत बिट्टू हो वो खुलकर अमृतपाल के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कर रहे हैं और बाकायदा राजा वडिंग जो हैं प्रेजिडेंट कांग्रेस के उन्होंने तो ये कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई बहुत जल्द तो फिर वो सड़कों पर उतरेंगे प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल देंगे क्योंकि जो पंजाब में जो शांति व्यवस्था कायम हुई है इसके लिए बहुत कुर्बानी पंजाब के लोगों ने दी है और फिर दोबारा से नब्बे के दशक जैसे हालात ना हो इसको लेकर पंजाब सरकार को पंजाब पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए अब राजा वडिंग ने यह भी कहा है कि उन्होंने चार महीने पहले अमृतपाल को लेकर बाकायदा एक पत्र भी लिखा था सरकार को कि इस अमृतपाल की एक्टिविटीज पर मॉनिटरिंग की जाए उस पर रोक लगाई जाए लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बेकाबू होते नजर आ रहे हैं इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है जी जी शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए एंड लेट मी आल्सो गो अक्रॉस टू कांग्रेस एमपी फ्रॉम अमृतसर गुरजीत सिंह ओजला हु इज जॉइनिंग मी राइट नाउ एट मिरर नाउ अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस मिस्टर ओजला अभी जिस हिसाब से जो स्थिति बनी है पंजाब में जिस हिसाब से उन्होंने देखा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कई तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए हैं उसके बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट है क्योंकि कांग्रेस के एम पी रवनीत सिंह बिट्टू ने यह कहा है कि उनको एक थ्रेट कॉल आया है कि आप अमृतपाल सिंह और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ में कुछ ना बोले कैसे देखते हैं पूरी स्थिति को अजला जी देखिए ये स्थिति तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की खत्म हो चुकी है पंजाब में बहुत बुरे हालात हैं और इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा इनकी इंटेलिजेंस फेल है इवन के आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इंटेलिजेंस फेल है फेलियर है और इसी यही वजह है कि अब जो जो तनाव की स्थिति है वो पंजाब में बढ़ रही है और जो गलत एलिमेंट्स है वो अपने हाथ में कानून ले रहे हैं अकेला अमृतपाल तक नहीं आप सहमत कह सकते डेली कोई ना कोई डेथ हो रही है चार पांच डेली गोलियां चल रही है कोई किसी को मार रहा है कोई किसी को मार रहा है कानून का किसी के ऊपर डर नहीं है लेकिन ये स्थिति के लिए तो आम आदमी पार्टी के ही ऊपर बात आती है क्योंकि वो सीएम है यहाँ और वो एक जो केजरीवाल साहब है वो ऊपर से पार्टी को चला रहे हैं ये ये सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है जो लग रहा है कि जो सीएम है वो खुद डिसीजन नहीं ले रहा लेकिन जवाबदेही सीएम की बनेगी दूसरा ये सेंटर के साथ टकरा कर रहे हैं राजपाल जी है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं ये अलग उनके साथ टकरा की स्थिति है जबकि कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए एक सेंसिटिव स्टेट है बॉर्डर स्टेट है यहाँ के बहुत ज्यादा और भी दिखते हैं जिनको ध्यान से रखते हुए दोनों सरकारों को मिलकर एक बढ़िया स्टेट जो पंजाब है जो हमेशा ही देश के काम आया चाहे आजादी से पहले हो आजादी के बाद की बात हो चाहे फूड की बात हो हमेशा ही पंजाब ने देश के लिए आगे बढ़कर काम किया है लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो मसलायत हैं जो कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं जो कानून के और संविधान के अगेंस्ट हैं उनके ऊपर एक्शन ले मिस्टर ओजला uh, अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इनको फंडिंग मिल रही है कहीं और से पाकिस्तान से मिल रही है या अब्रॉड से मिल रही है आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए अपनी एजेंसीज के जरिए इंटेलिजेंस के जरिए पता लगाना चाहिए ताकि इस क्रैक क्रैकडाउन हो सके और समय अनुसार इसको रोका जा सके देखिए जब भी पंजाब में हालत खराब हो गई या देश में अस्थिरता पैदा होगी पाकिस्तान और चाइना तो खुश होते ही होते हैं हमसे वहाँ तो खुशी की लहर जाती है तो ये जो फंडिंग की बात कर रहे हैं यदि इनके पास इनपुट्स है तो इन्होंने क्या कार्रवाई की है उस इनपुट्स के ऊपर क्या इन्होंने किसी को गिरफ्तार किया है इनपुट्स जो है वो सेंटर के साथ साझा या सेंटर को भी पता नहीं चल रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है सेंटर को भी इंटरवीन करना चाहिए मेरे को तो ये लग रहा तो है जो मैं समझता क्या कांग्रेस इस पे सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करेगी क्या करेगी कांग्रेस की आगे रणनीति क्या रहेगी देखो कांग्रेस का हमारे जो प्रेसिडेंट है वो राजा अमर जी वो बात कर चुके हैं वो जो भी प्लान बनाएंगे कांग्रेस पार्टी रोड के ऊपर भी उतरेगी जैसा भी देश के अमन शांति कायम रखने के लिए पंजाब के अमन शांति कायम रखने के लिए जो भी काम करना होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी Shukriya, Mr. Ojla, for joining And that was the Congress MP from Amritsar, making it very clear that the Congress party is going to take all steps in the right direction to ensure that the law and order and the peace in the state of Punjab doesn't get disturbed. They are questioning the action taken by the Punjab government thus far, which doesn't appear to be satisfactory to curb the ongoing unrest.